इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फर्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हम ट्यूटोरियल भी चला सकते हैं यूएस के नेताओं के लिए और उनके वहां के टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए। हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी जीनियसेस हैं राहुल गांधी से लेकर उनके राहुल गांधी के पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज और उनके कांग्रेस में जो इतने विद्वान हैं उनके सामने तो हम कुछ है नहीं। उनका जो नॉलेज है डीप अंडरस्टैंडिंग है वो जुपिटर से वो लेकर आए हैं। इलॉन मस्क तो एक बहुत जाने माने टेक्नोलॉजी के एक लीडर हैं और उनके काबिलियत पर उनके पेडिग्री पर मुझे कोई डाउट नहीं है। और लेकिन उन्होंने जो कहा ईवीएम्स के बारे में उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा और उन्होंने मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फर्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हमारे ईवीएम हमारे देश में के ईवीएम जो हैं यूएस के ईवीएम्स और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम से बहुत ही अलग हैं कि हमारे ईवीएम्स का में कोई कनेक्टिविटी नहीं कोई वाईफाई इंटरनेट ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता। तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं हमारे ईवीएम में नहीं है। हमारे ईवीएम डिजाइन किया गया है सिक्योर, उनका आर्किटेक्चर में ही एक सिक्योरिटी का एक डिजाइन फीचर है। तो मैंने ट्वीट में कहा कि देखिए इलॉन मस्क जी ये गलत है कि सभी ईवीएम्स हैकेबल है और हमारे देश के जो ईवीएम्स हैं दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि कैसे बनाया जाए ईवीएम जो हैक प्रूफ है जो सिक्योर है। और मैंने जोकिंगली कहा कि हम ट्यूटोरियल भी चला सकते हैं यूएस के नेताओं के लिए और उनके वहां के टेक्नोलॉजी लीडर्स के लिए। तो उन्होंने रिप्लाई किया नहीं कि हर सिस्टम हैकेबल है और मैंने फिर जवाब दिया कि वो टेक्निकली सही है थियोरेटिकली सही है कि मेरे पास अगर साल भर टाइम हो मेरे पास बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटर हो इक्विपमेंट हो कि मैं हवाई जहाज के कॉकपिट को भी हैक कर सकता हूं। मेरे पास अगर क्वांटम कंप्यूटर हो तो मैं जो इंक्रिप्शन है व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैं इंक्रिप्शन को भी क्रैक कर सकता हूं। ये सब टेक्निकली थियोरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब हम ईवीएम यूज करते हैं और ईवीएम को नेटवर्क का कोई एक्सेस नहीं होता है या किसी को बाहर से एक्सेस नहीं होता है और ईवीएम को हम सिक्योर तरीके से स्टोर करते हैं और ईवीएम को जब प्रोग्राम किया जाता है फैक्ट्री में उसको रीप्रोग्राम करने की कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें समझे इंडियन ईवीएम के आर्किटेक्चर और डिजाइन तब ये जो वो कह रहे हैं वो गलत साबित होगा। तो मैंने वो कहा तो देखिए ये मैं बहस नहीं है, आपने जैसे कहा एक हेल्दी डिबेट है, वो उनके मन में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। लेकिन हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी जीनियसेस हैं राहुल गांधी से लेकर उनके सवाल यही है कि राहुल गांधी ने भी इस पर हाँ अभी उनके पीएचडी देखिए राहुल गांधी के पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज और उनके कांग्रेस में जो इतने विद्वान हैं उनके सामने तो हम कुछ है नहीं। इलॉन मस्क क्या चीज है मैं क्या चीज हूं तो देखिए उनके ज्ञान के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं और कोई कह भी नहीं पाएगा क्योंकि उनका जो नॉलेज है डीप अंडरस्टैंडिंग है वो जुपिटर से वो लेकर आए हैं जुपिटर एस्केप वेलोसिटी आलू को सोना बनाना उनके पास जो टेक्नोलॉजी की काबिलियत है हमारे देश में या दुनिया भर में किसी और के लिए पास नहीं है। तो मैं कांग्रेस के टिप्पणी और रिस्पॉन्स को वहीं तक छोड़ दूंगा कि वो अपने कार्यकर्ता को खुश करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके कार्यकर्ता को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हुआ है तीसरी बार भारत के जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ऐतिहासिक मैंडेट दिया है ऐतिहासिक मैंडेट और तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारा है। तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस जो पुराने जमाने में यूपी अलायंस होता था हारा है। तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो समझते हैं कि उनके हार में उनको जीत मिल गया है 99 सीट्स में वो बहुत खुश हैं और ईवीएम के बारे में टिप्पणी करके अपने कार्यकर्ता लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं वो करें वो उनकी मर्जी।